और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा, मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को, एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रुखी सुखी रोटी खा सके। ये हमें करना है, ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सोटी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं दो ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और एक महीने में घर जाओगे और मां बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं, ये नौकरी ढूंढू गांव में? बताइए क्या करूं, अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे, बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी